हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे आर्महोल की सही फिटिंग कैसे करनी है, जो कटिंग कैसे करनी है और इसकी फिटिंग भी कैसे करनी है और हर साइज़ में आर्महोल कितना लेना है वो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है, छोटा नाप होता है तो आर्महोल कितना लेना है, या इसमें इस वीडियो में आप देखोगे कि तो आपका आर्महोल का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे जब भी हम छोटा नाप लेते हैं तो आर्महोल कितना लेना है, या कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी समझ में नहीं आता है कि स्लीव्स की चौड़ाई कितनी रखनी है और आर्महोल जो है चेस्ट का नाप बड़ा है तो हम आर्महोल कितना रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक फॉर्मूला यूज बताऊँगी, तो उस वीडियो को आप पूरा देख लो ताकि आपको समझ पाए। हर साइज़ का आर्महोल की आप कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज़ लिया है, अभी ये हमारा फोर टक्स ब्लाउज़ है। अभी यहाँ पे भी मैंने ये ब्लाउज़ लिया है, ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। अभी प्रिंसेस कट हो या फोर टक्स हो या कटोरी ब्लाउज़ हो, कौन सा भी ब्लाउज़ हो, उसका आर्महोल आपको निकालना आएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आर्महोल को निकालना भी बताऊंगी, उसकी कटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे तो पहले हमें इसकी लंबाई नापनी है। पहले क्या करना है, जैसे आप कहेंगे कि आर्महोल के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे लंबाई, इसके ऊपर भी ये डिपेंड रहता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई पूरी नापनी है। अभी लंबाई जो है, ब्लाउज़ को खींचने के बाद लंबाई निकलती है हमारी 13.5 इंच। 13.5 इंच हमारी लंबाई निकलती है। अभी 13.5 इंच लंबाई निकलती है तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। 1 इंच प्लस करना पड़ता है यानी कि 14.5 इंच हमारी लंबाई निकलती है। अभी 14.5 इंच लंबाई निकलती है तो आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर 14.5 इंच इसकी लंबाई नापनी है। नापने के बाद यहाँ पे आपको साइड का जो फिटिंग का नाप है, यहाँ से यहाँ तक बाजू का, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको नापना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमारा सिलाई में कितना जाता है, 1/4 इंच चला जाता है, तो इसको एक्स्ट्रा लेना है और इसे हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो 8.5 इंच हमारी साइड की फिटिंग आती है। अभी 8.5 इंच हमारी साइड की फिटिंग आती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए, 8.5 को छोड़ के आपको 14.5 इंच पे रखना है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो होता है, जैसे 8.5 हमारा साइड का फिटिंग निकलता है। तो आपको क्या करना है, जब हम पेपर कटिंग करते हैं, पेपर कटिंग करने के पर अब देखिए, पेपर के ऊपर भी मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे साइड फिटिंग हमारी 8.5 इंच आई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस साइड में छोड़ दिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा इस साइड में, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 8.5 इंच पे साइड फिटिंग आती है, 8.5 भी साइड फिटिंग आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से 8.5 इंच आपको नीचे के साइड में 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है। 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है तो पहले तो हमें ये जो लंबाई है, लंबाई नापनी है। 13 इंच, 13.5 इंच लंबाई है तो 14.5 इंच हमारी लंबाई आती है। ये एकदम परफेक्ट है, 14.5 इंच। अभी 14.5 इंच लंबाई आती है तो साइड फिटिंग आपको चेक करनी है। साइड फिटिंग 8.5 इंच निकलती है तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है। ऊपर का जो पार्ट रहता है ये हमारा आर्महोल निकलता है। बहुत सिंपल तरीका है आर्महोल निकालने का। जो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई क्या करता है, क्रॉस में नापता है, उसमें प्लस करता है, तो ये इस तरीका करने का नहीं है। कभी क्या हो जाता है, गोलाई कितनी देनी है, कैसे रखनी है, वो समझ में नहीं आता। कोई कोई क्या करता है, इस तरह से करके फिर गोल राउंड लेके फिर इस तरह से करते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से आर्महोल निकालते हैं, इस तरह के करना है। तो ऐसा कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। कौन सा भी ब्लाउज़ हो, आपको पहले उसकी लंबाई नापनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले आपको इसकी लंबाई नापनी है बैक साइड से। इसकी पहले आप लंबाई नापोगे, लंबाई नापने के बाद आपको साइड फिटिंग निकालनी है। साइड फिटिंग निकालने के बाद यहाँ पे इसमें लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। लंबाई में 1 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको साइड फिटिंग में नीचे से ऊपर के साइड तक आपको ये मार्किंग करना है। साइड फिटिंग का जितना हमारा फिटिंग आता है उतना आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। ऊपर का जो पार्ट रहता है वो हमारा आर्महोल निकलता है। अब देखिए इसके बारे में, अभी ये प्रिंसेस कट है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है निकालने का, फिटिंग का भी अलग अलग फिटिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है ब्लाउज़ की,
ये भी हमारी 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है। अभी 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है तो इसमें हमें 15.5 इंच लेना पड़ेगा। अभी इसमें हम 15.5 इंच लेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे इस साइड फिटिंग होती है, अब देखिए इस ब्लाउज़ का मैंने दिखाया आपको तो 8.5 इंच आया है। अब देखिए इस ब्लाउज़ का कितना निकलता है, ये देखिए यहाँ पे 1/4 इंच आगे के साइड में छोड़ देना है और इस साइड में 1/4 इंच आगे के साइड में छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 9.25 इंच आता है। अभी 9.25 इंच आता है तो ये देखिए यहाँ पे 14.5 था तो 14.5 होने के कारण हमारी ये 8.5 पे आई थी। अभी इसकी 15.5 है तो यहाँ पे हमारी साइड फिटिंग जो है वो 9.25 इंच पे आएगी। अब देखिए इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो ये भी साइड फिटिंग बढ़ जाती है, ये लंबाई भी इसकी बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 9.25 इंच पे आपको मार्किंग करना है ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड में जितना हमारा निकलेगा वो हमारा आर्मोल रहेगा। तो इस तरीके से हर साइज़ के ब्लाउज़ का आर्मोल जो है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, जैसे कटिंग कैसे करते हैं गोलाई का, तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कमर का नाप नापना है। अब कमर का नाप नापेंगे तो ये देखिए अभी इसका नाप कितना है, ये आता है हमारा 17.5 इंच। 17.5 इंच यानी कि 35 इंच इसका कमर निकलता है, 35 इंच इसका कमर निकलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक गोलाई देनी है 2 इंच की बैक साइड में और यहाँ से यहाँ तक गोलाई देनी है फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे। तो जैसे 30 इंच तक आपका मार्किंग होगा, कमर होगा, तो 30 से ज़्यादा 31 इंच, 32 इंच, 33 इंच, जो भी आपका कमर 30 से ज़्यादा होगा तो 2 इंच पे गोलाई देनी है बैक साइड की और 1.5 इंच पे गोलाई देनी है आपको फ्रंट साइड की। अब देखिए ये कमर का नाप हम नापते हैं। अभी यहाँ पे हमारा ये जो कमर का नाप है ये आता है हमारा 29 इंच, 14.5 इंच आता है। ये देखिए 29 इंच हमारा कमर आता है, 29 इंच कमर आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे बैक साइड की गोलाई देनी है आपको 1.5 इंच पे और फ्रंट साइड की गोलाई देनी है आपको 1 इंच पे, इसका आपको ध्यान रखना है। आप हर साइज़ के आर्मोल की कटिंग भी कर सकते हैं और हर साइज़ के आर्मोल की साइड की फिटिंग नाप के आप आर्मोल की सही कटिंग और आर्मोल भी निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा ब्लाउज़ क्यों ना हो, आप इस तरीके से आर्मोल के बारे में जानकारी मैंने जो दी है उसी तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका आर्मोल कभी ख़राब नहीं होगा और यहाँ पे फिटिंग भी अच्छी आएगी और आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा। बाकी का जो तो है ये तो सिंपल है, जैसे लंबाई में हम 1 इंच प्लस करते हैं, जैसे चेस्ट में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, स्लीव्स में हमें लंबाई में 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई जो है जितना हमारा, अभी जब हम आर्मोल निकालते हैं आर्मोल का तरीका हमें पता चल गया तो हम स्लीव्स का भी जो चौड़ाई होती है वो भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आर्मोल को निकालना, आर्मोल की सही कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है। छोटा नाप होगा तो भी आप किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा नाप लेकर भी आपको दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ लिया था मैंने और ये सिंपल ब्लाउज़ लिया था, ये दोनों, ये बड़ा नाप था और एक छोटा नाप था। ये दोनों ब्लाउज़ के बारे में मैंने आपको बताया है और आपको समझाया है कि कैसे और कितना लेना है। आप इस तरीके से ब्लाउज़ का जो आर्मोल है निकालेंगे तो आपके ब्लाउज़ में, जैसे फोर टक्स ब्लाउज़ हो या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो या कटोरी ब्लाउज़ हो, ये सब में आर्मोल निकालने का तरीका एक जैसा ही है। आप ये फॉर्मूला जो आप कटोरी ब्लाउज़ में यूज़ करेंगे तो भी आपका ये आर्मोल की कटिंग ख़राब नहीं होगी, आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। उसके बाद सिंपल ब्लाउज़ में भी आपको यही फार्मूला यूज़ करना है तो भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी, आपकी फ़िटिंग जो है एकदम परफेक्ट आएगी। जैसे यहाँ पर झोल आते हैं तो ये मेजरमेंट के साथ आप लोगे तो ये आपके आर्मोल में झोल भी नहीं आएगा और जो फिटिंग होती है वो भी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे, जैसे कैसे इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको फोरटक्स ब्लाउज़ के बारे में, बेल्ट ब्लाउज़ के बारे में बताया है और इस वीडियो में मैंने आपको आर्मोल के बारे में बताया है, आप आर्मोल की कटिंग सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है आर्मोल निकालने का और उसकी कटिंग करने का। तो अब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे छोटा नाप 28 चेस्ट का होगा तो भी इसकी लंबाई मीडियम रहती है तो भी आपकी साइड फिटिंग करने से भी इसकी ये निकल जाती है, जैसे आर्मोल निकल जाता है और उसकी गोलाई भी निकल जाती है।
उसके बाद जब आप 48 चेस्ट का या 50 चेस्ट का भी नापोगे तो भी उसका फिर साइड फिटिंग आपको देखनी है। साइड फिटिंग देखने के बाद पूरी पहले आपको लंबाई लेनी है, लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है, उसके बाद साइड फिटिंग कट साइड फिटिंग देखनी है। उसमें आपको इस तरह से जितना आपका होगा क्वार्टर क्वार्टर इंच इस साइड में और क्वार्टर इंच इस साइड में आपको छोड़ देना है। जितनी हमारी निकलती है लंबाई उसमें आपको एक मार्किंग करना है, ऊपर के साइड में जो भी निकलता है वो हमारा आर्महोल रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। कौन से भी ब्लाउज में यही फॉर्मूला यूज़ करोगे तो भी आपका आर्महोल जो है वो निकल जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।